तो अवतार 2 के टीजर के अंदर बस मुझे यही एक चीज़ अच्छी नहीं लगी और बाकी सब तो टीजर एकदम मस्त था और मूवी उससे भी ज़्यादा कहीं ज़्यादा मस्त होने वाली है। तो अवतार 2 का ट्रेलर ऑफिशियली सोशल मीडिया के ऊपर रिलीज कर दिया गया है और ये ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मूवी का VFX बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है और मूवी में के टीजर में ही हमें कई सारे बेहतरीन विजुअल्स देखने को मिल गए हैं। तो चलो इस टीजर का ब्रेकडाउन करते हैं। तो टीजर की स्टार्ट हमें जैक और नेत्री की फैमिली दिखाई जाती है, जहाँ हमें 4 बच्चे दिखाए जाते हैं और जैक और नेत्री, उनमें से 3 बच्चे तो जैक और नेत्री के ही हैं पर चौथा चाइल्ड अडॉप्ट किया गया है। अब वो अडॉप्टेड चाइल्ड कौन है? तो जब इंसान वापस अर्थ पर जा रहे होते हैं तो उनमें से एक बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा होता है जो कि ट्रैवल नहीं कर सकता था, इसलिए लोग उसे अडॉप्ट कर लेते हैं, जिसका नाम अवतार 2 के अंदर माइल्स होने वाला है। उसे सभी स्पाइडर के नाम से जानते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फुर्तीला है और वो किसी भी तरह से नागी रेस से कम नहीं लगेगा। हमें इस टीजर में कई नए क्रिएचर्स भी देखने को मिले, साथ ही हमने इस टीजर के अंदर न्यू नावी कोस्टल ट्राइब भी देखी, जहां हम नेत्री और उसकी फैमिली रहती है। इस मूवी के प्रोड्यूसर ने ही खुद कंफर्म किया है कि इन्हें रेन फॉरेस्ट से जाना पड़ा क्योंकि ये एक तो ये ह्यूमन थे और दूसरी बात इन्होंने एक ह्यूमन चाइल्ड को भी अडॉप्ट कर रखा है। गाइस, इस मूवी में के विजुअल्स तो बहुत ज़्यादा कमाल के होने वाले हैं, चाहे वो अंडर वाटर हो या फॉरेस्ट के। आपने अवतार 1 के विजुअल्स तो देखा होगा, ये उससे भी ज़्यादा बढ़कर होने वाले हैं। तो ये मूवी मेरी ओपिनियन में एक बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी होने वाली है। साथ ही इस मूवी के अंदर शायद वाटर से रिलेटेड कुछ ज़्यादा दिखाया जाए या फिर इस मूवी की मेन स्टोरी फैमिली के ऊपर बेस्ड हो, क्योंकि इस मूवी के टीजर के लास्ट में हमें फैमिली से रिलेटेड डायलॉग बताया गया है जिसमें ये कहा जाता है कि अगर कोई परेशानी होगी, कोई मुसीबत आएगी तो ये फैमिली ही बचाएगी। तो शायद इस मूवी में फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए और फैमिली से रिलेटेड ही कोई एक स्टोरी क्रिएट करके हमें दिखाई जाए और इससे काफ़ी सारे नावी ट्राइब्स भी रिलेट कर सकते हैं। या फिर शायद हमें इस मूवी में वॉर दिखाई जाए, जैसे कि अर्थ पे ऊपर कई सारे देश है और कई सारे लोग अलग अलग कंट्री में के अंदर रहते हैं और उनके कल्चर अलग हैं और इनके बीच युद्ध भी होते रहते हैं। ऐसे ही पिंडोरा प्लैनेट पर कई सारे ट्राइब्स हैं, उनके बीच भी युद्ध हो सकते हैं, उनके कल्चर्स अलग हैं, उनका पूरा रीति रिवाज रहन सहन सब अलग है। तो ऐसे ही हमें वॉर की एक फुटेज भी दिखाई गई है टीजर के अंदर, शायद इस मूवी में वाटर के लिए फिर किसी और चीज़ के लिए वॉर हो और हमें वॉर में ही सब कुछ इस मूवी की पूरी स्टोरी दिखाई जाए, क्योंकि ये मूवी का सेकंड पार्ट है। इसका थर्ड पार्ट भी ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है, चीज़ को कन्फर्म टीजर के अंदर भी किया गया है, जहां हमें वॉर वाला सीक्वेंस थोड़ा सा दिखाया जाता है। तो वहां 2 नावी ट्राइब्स लड़ रही हैं, वो उनमें से एक मोटिकाया और दूसरा मिटकाइना है। तो शायद हमें इस मूवी की स्टोरी वॉर के ऊपर बेस्ड दिखाई जाए। तो इस मूवी की अगर रिलेटेड अगर आप और भी थ्योरीज को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक एंड प्रेस कर देना, क्योंकि अवतार 2 से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ और अपडेट्स आएंगी सब आपको इस चैनल में देखने को मिल जाएंगी। और अगर आपको थ्योरीज जानना है, अगर आपके पास कोई और थ्योरी है तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।